काबुली चने में लेवाली कमजोर है। शादी ब्याह का दौर अगले सप्ताह से शुरू हो रहा है, लेकिन कोरोना से मेहमानों की सीमित संख्या मांग पर असर डाल रही है। रेस्टोरेंट होटल वालों की मांग भी कम हो गई है। इंदौर मंडी में काबुली चने की आवक करीब 2500 बोरी रही। दाम में 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट भी देखी गई। काबुली डंकी के दाम 5500 से 7500, मीडियम के 7500 से लेकर 8300 और बोल्ड काबुली के दाम 8400 से 8600 रहे। दूसरी ओर महाराष्ट्र की मंडियों में एक दिन पहले ही कर्नाटक से नए चने की आवक हो गई। मध्य प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो अन्य राज्यों में इस रबी सीजन में चने की बुआई का रकबा बढ़ा है। ऐसे में चने का उत्पादन भी बढ़ने की उम्मीद है। अब तक पुराना माल रोक कर बैठे स्टॉकिस्ट आने वाले दिनों में नई फसल की आवक के डर से अब माल की बिकवाली कर रहे हैं। पुराने माल में डंकी माल ज्यादा है। ऊंचे दामों पर दालों में उठाव कमजोर होने के कारण मिले चने की खरीदी से पीछे हटने लगी है। चने पर दबाव बनाते हुए नाफेड भी नई फसल के लिए गोदामों में जगह बना रहा है। नाफेड द्वारा लगातार कम भावों पर चना टेंडर पास किए जाने के कारण मिले खरीदी में रुचि नहीं ले रही है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के खामगांव में नया चने की छुटपुट आवक शुरू हो गई है, जिसका भाव 4710 रुपए प्रति क्विंटल बताया जा रहा है। इस वजह से भी चने में लेवाल कमजोर होने के कारण इंदौर में चना कांटा 50 रुपए और टूटकर 5100 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। चना कांटा पिछले दो दिन में 100 रुपए सस्ता हुआ है। दूसरी ओर दाल मिलों की हाजिर मांग कमजोर होने से मुंबई दिल्ली में बर्मा उड़द की कीमतें लगातार नीचे जाने के साथ ही घरेलू बाजार में भी उड़द का व्यापार बेहद कमजोर होने से भाव में फिलहाल स्थिरता रही, लेकिन आगे इसकी कीमतों में मंदी की उम्मीद की जा रही है। वहीं नाफेड मध्य प्रदेश में फसल सीजन 2021 की मूंग बेचना शुरू कर रहा है। इसके लिए बिक्री के लिए निविदा भी जारी होने की उम्मीद है। इसके चलते मूंग के दामों में तेजी की संभावना नजर नहीं आ रही है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।